म्यूचुअल फंड हम बोला जाता है जनरली लमसम में, जब हमारे पास कहीं से कोई प्रॉपर्टी बिकी ठीक है ना, उस प्रॉपर्टी के बदले में प्रॉपर्टी नहीं खरीदना चाहता, मुझे इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है, डायरेक्टली अगर स्टॉक मार्केट में आकर के खुद ट्रेड करके और पैसा अर्न करना है तो उसके लिए कुछ बेसिक्स होने जरूरी है। जैसे स्टॉक मार्केट अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो हमेशा ग्रोइंग फेज में दिखेगा, लेकिन एक लॉन्गर रन में लॉन्गर टाइम पीरियड में टाइम फ्रेम उसका लंबा होता है, 15 साल 20 साल 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल। अब ऐसा कभी नहीं होता है कि एक सेक्टर पिछले 15 साल 20 साल से लगातार चले जा रहा है, हर सेक्टर का एक टाइम होता है, वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। वो होता है एसेट एलोकेशन, एक वर्ड होता है एसेट एलोकेशन, का मतलब ये होता है कि अगर मैं 1 लाख रुपये महीना कमाता हूँ तो मैं कितना पैसा ऐसा है जो मेरे लिए पूरी तरह से मैं सोच सकता हूँ कि अगर इस 10,000-15,000 की मैं रिस्क भी ले सकूँ तो मेरे एंड ऑफ द मंथ में या एंड ऑफ द ईयर में मेरे इस पैसे से कोई फर्क ना पड़े, है ना। अगर मैं 1 लाख रुपए की मेरी अर्निंग है, 10,000 रुपये अगर मेरा चला भी जाए तो मेरी सेहत पे उससे कोई फर्क ना पड़े। इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन कौन डिसाइड करता है मुझे नहीं पता, ये आप ही डिसाइड करेंगे। आज मान लीजिए आपके पास कहीं से ईयरली बोनस है 5 लाख, ठीक है। अब आपका होराइजन क्या है उस 5 लाख रुपये को लेकर, उस 5 लाख को आप 5-10 साल के लिए भूल जाना चाहते हैं कि भाई ठीक है मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसे इन्वेस्ट करके और भूल जाऊँ। आपको 1-1.5 साल बाद ही कोई काम पड़ गया, अब ये आप कैसे डिसाइड करेंगे कि भाई शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में, तो वो तो आप डिसाइड करिए, है ना। बट स्टॉक मार्केट की जहाँ तक बात है कि आपने शॉर्ट टर्म में पैसा डाल के रखा और वो लॉन्ग टर्म हो गया, ऐसे बहुत सारे केसेस भी हुए। कई बार ऐसा होता है कि जल्दीबाजी में लिए गए फैसले हमको नुकसान पहुंचा जाते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पर आप जल्दीबाजी करेंगे तो वहां पर नुकसान के साथ साथ फायदे भी हो सकते हैं। लेकिन इसकी एक शर्त होती है कि आपको स्टॉक मार्केट की बेसिक नॉलेज होना भी जरूरी होता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि बिना होमवर्क किए लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर उन्हें अपना नुकसान झेलना पड़ता है, सो अलग। तो स्टॉक मार्केट की बेसिक नॉलेज से लेकर स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट किया जाना चाहिए और किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स लेकर आते हैं हम वीडियोस के जरिए। और आज इन सब क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट दीपक सक्सेना सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर मैं ये जानना चाहूंगी कि स्टॉक मार्केट की जब हम बात करते हैं तो इनकी डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं ट्रेड करने के लिए, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि किस तरह से, इससे पहले के वीडियो में हमने बेसिक नॉलेज दी थी स्टॉक मार्केट होता क्या है, अब हम स्ट्रेटजीज के बारे में बताना चाह रहे हैं, तो आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए स्टॉक मार्केट में एंटर करने से पहले आपको सबसे पहली चीज देखनी पड़ेगी कि आपके पास टाइम समय कितना है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जब आप डायरेक्टली एंटर करते हैं तो इट इज नॉट अ पार्ट टाइम जॉब, इट इज अ फुल टाइम जॉब अगर आप डायरेक्टली खुद एंटर करते हैं। नहीं तो सबसे अच्छा तरीका होता है, अगर आपको स्टॉक मार्केट में एंटर करना है तो SIP म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट वे, है ना। तो आप SIPs, आप सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, कुछ भी हो, आप चाहे म्यूचुअल फंड के थ्रू, म्यूचुअल फंड भी SIP मतलब इक्विटी में ही जा रहा है पैसा, SIP इज अ जहाँ हम छोटे छोटे मंथली ईयरली ठीक है ना क्वार्टरली इन इंस्टॉलमेंट में इक्विटी मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड हम बोला जाता है जनरली लमसम में, जब हमारे पास कहीं से कोई प्रॉपर्टी बिकी ठीक है ना, उस प्रॉपर्टी के बदले में प्रॉपर्टी नहीं खरीदना चाहता, मुझे इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है, तो मैं लमसम में भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ। अब आपको डायरेक्टली अगर स्टॉक मार्केट में आकर के खुद ट्रेड करके और पैसा अर्न करना है तो उसके लिए कुछ बेसिक्स होने जरूरी है। जैसे हर एक प्रोफेशन होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, डॉक्टर है, वो कुछ ना कुछ सीख करके आते हैं, उनके पास कोई ना कोई क्वालिफिकेशन होती है, तब जा करके वो अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ा पाते हैं, ठीक है, उससे लोगों को बेनिफिट होता है। तो यहाँ पे भी अगर आपको इसे प्रोफेशन बनाना है तो आपको लर्न करनी पड़ेगी, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। तो जैसा कि अमूमन जो आम इंसान है वो स्टॉक मार्केट में जाना चाहते हैं तो उन्हें ये नहीं पता होता है कि हम किस सेक्टर में इन्वेस्ट करें, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि वो सेक्टर्स कौन कौन से होते हैं जहां इन्वेस्टमेंट करें। मैं आपको बताता हूं, देखिए परमानेंट सेक्टर कोई भी नहीं होता है ना। स्टॉक मार्केट अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो हमेशा ग्रोइंग फेज में दिखेगा,
लेकिन एक लॉन्गर रन में लॉन्गर टाइम पीरियड में, टाइम फ्रेम उसका लंबा होता है, 15 साल 20 साल, 5 साल 10 साल, 15 साल 20 साल। अब ऐसा कभी नहीं होता कि एक सेक्टर पिछले 15 साल 20 साल से लगातार चले जा रहा है जी। हर सेक्टर का एक टाइम आता है, वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा है ना, कि किस सेक्टर में आने वाले टाइम में अपॉर्चुनिटीज मुझे मिलेंगी जी। अभी आपने लास्ट 6 महीने साल भर में जो भी बुल रन आया है आपने देखा होगा, गवर्नमेंट से जुड़ी हुई जितनी भी कंपनीज थी जिन्हें हम PSUs बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, उनमें एक बुल रन, जबरदस्त बुल रन हम लोगों ने देखा है पिछले एक साल। उसके पीछे सिर्फ रीजन एक नहीं था कि साहब सेंटर में जो गवर्नमेंट है ना, मोदी जी हैं, उनके कारण इन्वेस्टर आ गया और उसने सरकारी कंपनियां खरीद, नहीं, उसके पीछे रीजन है फंडामेंटल। उन कंपनीज में पिछले 15-20 साल में जो बैलेंस शीट में चेंजेस हुए उसको देख करके इन्वेस्टर उसमें आया है। और आप एक चीज याद रखिएगा, आपका मेरे जैसा इन्वेस्टर इस मार्केट का एक पॉइंट भी नहीं ला सकता। इस मार्केट को चलाने वाले कुछ लोग हैं, ये बिल्कुल तय बात है, इसमें मतलब कोई किसी को डाउट करने की जरूरत नहीं है। देयर आर इन्वेस्टर्स जिनके पास बहुत बड़ी कैपिटल है, बहुत बड़ी, वो कोई एक इन्वेस्टर नहीं है, कुछ उसमें फॉरेन इंस्टीट्यूट भी है, कुछ हमारे खुद के लोकल इंस्टीट्यूट भी, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट लाइक SBI हो गई, आपकी LIC हो गई, तो वो लोग डिसाइड करते हैं एक्चुअली कि कहाँ पे किस सेक्टर में पैसा डाला जाए। आपको उस मोमेंटम को चेज करना है, दैट्स इट जी। उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा जी, अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर हम इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज की बात करते हैं तो इनका कैसे आप डाइवर्सिफिकेशन करेंगे? देखिए, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है, उसमें होता है एसेट एलोकेशन, एक वर्ड होता है जी। एसेट एलोकेशन का मतलब ये होता है कि अगर मैं 1 लाख रुपए महीना कमाता हूँ तो मैं कितना पैसा ऐसा है जो मेरे लिए पूरी तरह से मैं सोच सकता हूँ कि अगर इस 10,000-15,000 की मैं रिस्क भी ले सकूँ तो मेरे एंड ऑफ द मंथ में या एंड ऑफ द ईयर में मेरे इस पैसे से कोई फर्क ना पड़े जी, है ना। अगर मैं 1 लाख रुपए की मेरी अर्निंग है, 10,000 रुपए अगर मेरा चला भी जाए तो मेरी सेहत पे उससे कोई फर्क ना पड़े जी, ठीक है। एक चीज होती है कि मुझे सेफ असेट में इन्वेस्टमेंट करना है, लाइक गोल्ड जी, है ना। प्रॉपर्टी हम छोटे अमाउंट में कभी खरीद नहीं सकते, प्रॉपर्टी के लिए आपको हमेशा बड़ा अमाउंट ही चाहिए, 1,50,000 रुपए प्रॉपर्टी में कुछ होता नहीं। छोटी पॉकेट्स में जो हम पैसा डाल सकते हैं वो हमें गोल्ड मिलता है, एक हमें इक्विटी में SIP म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट मिलता है जी। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो SIP म्यूचुअल फंड बेस्ट वे है इन्वेस्ट करने का। SIP का जरिया भी बहुत ज्यादा, आप ये देखिए कि बहुत सिंपली तरीके से मंथली आप कर सकते हैं, मंथली आप कर सकते हैं, आपको 1,000-1,500 रुपए से स्टार्टिंग करनी है तो आप कर सकते हैं, 10,000-20,000-50,000 कोई कैपिंग नहीं है वहाँ पे। आप आफ्टर आप 10 साल ले लीजिए, 15 साल ले लीजिए, एक अच्छा पैसा आपको इनसे बहुत अच्छा पैसा मिलता है, इतना रिटर्न कहीं नहीं मिलता, लेकिन आप में पेशेंस होना जरूरी है जी। स्टॉक मार्केट आपसे पेशेंस मांगता है, आपको आज आकर स्टॉक मार्केट में पेशेंस ही एक सबसे बड़ी सक्सेस की की माना जाता है जी। जल्दीबाजी, जैसा कि मैंने शुरू में ही कह दिया था कि जल्दीबाजी का जो फैसला होता है वो आपको नुकसान भी दे सकता है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, स्टॉक मार्केट में लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या रहती है कि मैंने आज 1 लाख डाला, महीने भर बाद डबल। आप ये देख करके चलिए, आप पास्ट में जाइए, आप जिस घर में रह रहे हैं, आपकी सेल्फ ओन प्रॉपर्टी है, आपने उसे कब खरीदा था, कितने में खरीदा था जी। आज अगर वो अप्रिशिएट होकर के 10 लाख की प्रॉपर्टी 25 लाख हो गई है तो कितने साल में, आपको वो टाइम भी देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं हुआ है कि आपने कल खरीदा है और वो आज 20 लाख का हो गया, 25 लाख का फ्लैट खरीदा आज 50 लाख का, ऐसा कभी नहीं होता। सेम स्टॉक मार्केट में लगे होता है, बट हाँ, स्टॉक मार्केट में जो रिटर्न आपको जिस टाइम में गोल्ड देगा या प्रॉपर्टी देगी उससे कम टाइम में आपको स्टॉक मार्केट रिटर्न देगा जी, बिल्कुल सर, ये बात है। अगर आप सही जगह हैं, सही सेक्टर पे बैठे हैं और आप अपने सेक्टर का रोटेशन करना जानते हैं तो जी। इसके अलावा एक और सवाल है जो आम जन के मन में आता ही है कि जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं, इनमें आप अगर अंतर करना चाहेंगे तो कैसे करते हैं? देखिए, इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन कौन डिसाइड करता है मुझे नहीं मालूम, ये आप ही डिसाइड करेंगे। आज मान लीजिए आपके पास कहीं से ईयरली बोनस आया 5 लाख रुपए, ठीक है। अब आपका होराइजन क्या है उस 5 लाख रुपए को लेकर के, उस 5 लाख को आप 5-10 साल के लिए भूल जाना चाहते हैं कि भाई ठीक है मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं इसे इन्वेस्ट करके और भूल जाऊंगा। आपको 1.5 साल बाद ही कोई काम पड़ गया है ना जी। अब ये आप कैसे डिसाइड करेंगे कि भाई शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में, तो वो तो आप डिसाइड करिए, है ना। बट
स्टॉक मार्केट की जहां तक बात है कि आपने शॉर्ट टर्म में पैसा डाल के रखा और वो लॉन्ग टर्म हो गया, ऐसे बहुत सारे केसेस भी हुआ है। क्योंकि जनरली क्या होता है, एक आम आदमी जब फंसता है जब मार्केट अपने टॉप पे होता है, ठीक है, आपने टॉप पे पैसा डाला, मार्केट का करेक्शन लाजमी है, वो होगा ही होगा, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, 15-20% मार्केट करेक्ट होगा ही होगा। स्टॉक मार्केट में अगर आपको पैसा डालना है तो इसका सबसे अच्छा तरीका होता है आप वेट करिए, वेट करिए, चाहे वो 2 साल 3 साल 4 साल में आए, जब मार्केट अपने टॉप से 15-18% 20% करेक्ट हो जाए, है ना। मार्केट हम देखते हैं इंडेक्स के व्यू से, जो हमारे निफ्टी है, सेंसेक्स है, ठीक है, आप एटलीस्ट वो देख लीजिए, अखबारों में देख लीजिए, यूट्यूब चैनल्स हैं, मनी कंट्रोल करके एक ऐप चलती है जी। आप अपने 52 वीक हाई से, उसमें एक लाइन आती है 52 वीक हाई 52 वीक लो जी। जब मार्केट ओवरऑल मार्केट 52 वीक हाई से करेक्ट होके 15-18% करेक्ट हो जाए, वो बेस्ट एंट्री का मौका होता है एक नॉर्मल रिटेलर जी। उससे पहले आप चाहे अपने पैसे को एफडी करा दें, कहीं और इन्वेस्ट कर दें, किसी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में डाल दें, जहाँ पे लिक्विड में, जहाँ पे आपका गारंटेड रिटर्न हो बट रिस्क जीरो जी। लेकिन आप अगर टॉप पे घुस गए, वहां से मार्केट करेक्ट कर गया, आपकी कैपिटल 30-40% वाइप आउट हो जाएगी, फिर आप कहेंगे कि स्टॉक मार्केट बहुत खराब चीज है, ये सट्टा है, ये सट्टा नहीं है। और स्टॉक मार्केट की जिस तरह से आपने बताया अंदर एक चीजें, तो मैं ये भी जानना चाहूंगी कि अगर रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पर देखा जाएगा तो वो आप किस तरह से एक्सप्लेन करें। मैंने आपको बताया ना, रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये है कि अगर आप डायरेक्टली एंटर करना चाहते हैं बिना कुछ सीखे, बिना किसी लर्निंग के, तो उतनी ही कैपिटल को लेकर के आइए जिसके वाइप आउट होने से आपको कोई टेंशन ना हो, ना आपकी हेल्थ पे कोई फर्क पड़ना चाहिए, ना आपको कोई टेंशन होनी चाहिए कि ठीक है ये पैसा चला गया चला गया। अगर आपकी सेविंग 10 लाख रुपए की, आप 1 लाख रुपए से एंटर करिए, 1 लाख रुपए चला गया, आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये नहीं है कि आप पूरी कैपिटल ला करके, लोन लेकर के और मार्केट में लगा दें, वो बहुत गलत। अपने आपको बर्डन देकर रिस्क लेना वाकई में बहुत बड़ा, किसी ने आपसे बोला है यहाँ पैसा, तो आज ही मेरा 10% बन गया, कल ही मेरा 20% बन गया, ऐसी स्टोरीज बहुत मिलेंगी आपको मार्केट में। बट अगर आप सीखते हैं, आप जानते हैं, लॉस बुक करना जानते हैं, पूरा टाइम दे सकते हैं, तो इस मार्केट में आइए, डायरेक्ट एंटर कीजिए। अदरवाइज मेरा फिर सजेशन यही है, अगर आपके पास टाइम नहीं है, इवन आप वीकली भी अगर इस मार्केट को वॉच नहीं कर सकते हैं, तो SIP सबसे बेस्ट वे है यहाँ पे इन्वेस्ट करने। तो सुना आपने किस तरह से दीपक जी ने हर एक सवाल को एक्सप्लेन किया, एग्जाम्पल के जरिए आपको बताया कि अगर आप समय दे सकते हैं, अगर आप में पेशेंस है, तभी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए आगे बढ़ें। और ये सबसे अच्छी टिप थी आज की, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो। इसी के साथ साथ अगर इन सवालों के अलावा भी आपके मन में है कोई सवाल, और अगर आप चाहते हैं कि आपको शुरू से कोई गाइडेंस दे, तो ऑप्शन ट्रेडिंग चैनल का टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये आपको हर तरह से हेल्प करेंगे स्टॉक मार्केट में कदम रखने में, उसके साथ साथ पूरे मैनेजमेंट में भी आपका सहयोग देंगे। दीपक जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। इसी तरह से ट्रेड मार्केट, स्टॉक मार्केट की सारी जानकारी के लिए देखते रहिए ये वीडियोस। नमस्कार।